नमस्कार मित्रों, कुछ कमेंट्स का रिप्लाई। आज के प्रमुख कमेंट्स हैं। सबसे पहला कमेंट से इस प्रकार के कमेंट्स बहुत सारे आए हुए थे जिनका पर्सनल तौर पर है जवाब देना संभव नहीं था, इस कारण से हम यह वीडियो लेकर आए हैं। आज का पहला कमेंट से हरिदास अहरवार जी का, आपको तो भोपाल आना था, तबीयत भी सही है आपकी, जब आ नहीं सकते तो बोलते क्यों हो फिर। ये पहला कमेंट से इस प्रकार से संबंधित बहुत सारे कमेंट्स कमेंट बॉक्स में हैं, क्योंकि हमने आपको कुछ समय पहले वीडियो बनाकर बताया था कि भोपाल आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया था कि स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है। हम वीडियो तो बनाते हैं लेकिन स्वास्थ्य इतना सही नहीं है, क्योंकि भी हम 13 मार्च को कटनी से द ट्रीटमेंट करवा कर लौटे हैं, वो भी जीवन ज्योति हॉस्पिटल में हमने ट्रीटमेंट लिया था। वैसे तो वहाँ पर भर्ती होने के लिए कहा गया था लेकिन भर्ती हो नहीं सकती थी, क्योंकि आपको पता है गर्मियों का मौसम समय है और गर्मियों के समय में जो तबीयत है बहुत देखे व्यक्ति मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिस कारण से कुछ अदर रीजन भी थी जिस कारण से हम वहाँ पर इलाज के लिए भर्ती नहीं हो सकी। तो दिख भले आपको स्वस्थ रहे हैं पर वास्तव में हम हकीकत में स्वस्थ नहीं हैं, वो तो हम ही जानते हैं। कहते हैं कि सांप सांप के पैर सांप को ही दिखाई देते हैं, यह स्थिति कुछ हमारी है। तो इस कारण से हम भोपाल नहीं पहुंच पाए, जिसके लिए हम तहे दिल से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि पदवृद्धि होने पर ही हमारा भी नाम आ सकता है, क्योंकि अतिथि कैटेगरी से अतिथि में ओबीसी कैटेगरी से 99.69 है, यदि पदवृद्धि होती है तभी हमारा नाम संभव है। तो इसलिए हम यदि स्वस्थ होते तो हम जरूर आते। सेकेंड क्वेश्चन है देव कुमार सिंह और, सर आप भोपाल क्यों नहीं आए? तो हमने इसका भी समाधान इसी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ दे दिया है। इस प्रकार से संबंध बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में थे। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी कमेंट बॉक्स के सभी प्रश्नों का समाधान हो चुका होगा कि मैं भोपाल क्यों नहीं पहुंचा। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।